नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात विकास दुबे से जुड़ी हुई एक ऐसी FIR की, जिस FIR में तमाम ऐसी कहानियां छुपी हैं, तमाम ऐसे सबूत छुपे हैं जो साफ इशारा करते हैं कि 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में जो कुछ भी हुआ, वो भले ही FIR के तौर पर बहुत बाद में सामने आया हो, लेकिन इस पूरी घटना की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस घटना के पीछे की पटकथा हम आपको बताएं, उससे पहले जाना जरूरी है कि जिस रात ये FIR लिखी गई उसके चंद मिनटों बाद ही पुलिस बिकरू गांव पहुंच गई, और वो भी एक थाने की पुलिस नहीं बल्कि कई थानों की पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। यानी कि विकास दुबे को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी इस पूरी प्लानिंग में पहले से ही पता था। विकास दुबे को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने भी अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो FIR चंद मिनटों पहले लिखी गई उसकी प्लानिंग विकास दुबे ने पहले कैसे कर ली, और पुलिस ने भी कई थानों की पुलिस चंद मिनटों में कैसे बुला ली। तो हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल विकास दुबे के घर पर उस रात जो पुलिस पहुंची थी वो सिर्फ दबिश देने नहीं पहुंची थी, उसके इरादे भी बेहद खतरनाक थे, और उसकी जानकारी उस FIR को लिखने वाले शख्स ने पहले ही विकास दुबे को बता दी थी। लेकिन FIR लिखने की स्क्रिप्टिंग पहले ही हो चुकी थी, यानी कई दिनों पहले ये प्लान हो गया था कि आज की रात ये ऑपरेशन विकास दुबे के घर होगा, और इसकी जानकारी भी विकास दुबे को पहले ही मिल गई थी। इसीलिए उसने अपने सभी जानकार लोगों को बुला लिया था, और इसी के चलते यूपी पुलिस के तमाम थानों के लोग विकरू गांव पहुंच गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि पुलिस इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंची थी, और ऐसा क्या था कि विकास दुबे ने इतने लोगों को हथियारों के साथ इकट्ठा कर लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। और ऐसा कौन शख्स था जिसने इसकी जानकारी बहुत पहले ही दे दी थी, क्योंकि जिसने जानकारी दी थी उसने भी बेशक ये जानकारी भी दी थी कि पुलिस के इरादे इस बार नेक नहीं है। अगर सूत्रों और अब तक की जांच के सबूतों की माने तो एक शख्स ऐसा जरूर है जिसको विकास दुबे के न रहने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, और जय वाजपेयी नाम का यह शख्स पुलिस की हिरासत में 15 दिन तक रहा। जानकार बताते हैं कि विकास दुबे का सारा काम धंधा जय वाजपेयी देखता था, और अगर विकास दुबे न रहता तो उसका सीधा फायदा जय वाजपेयी को होने वाला था, और बहुत मुमकिन है इसीलिए उसने पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर के तमाम लोगों को आगाह किया कि विकास दुबे खतरनाक है, और पुलिस लाव लश्कर लेकर के बिकरू गांव पहुंच गई। कहते हैं कि 2 और 3 जुलाई की रात से हफ्तों पहले इस साजिश की पूरी प्लानिंग लखनऊ, कानपुर समेत दूसरे जिलों में भी हो चुकी थी। जय वाजपेयी ही वो शख्स है जिसने इस बात की प्लानिंग की थी और आला अधिकारियों को आगाह किया था कि विकास दुबे अब खतरनाक हो चुका है, और 2 दिन पहले विनय तिवारी के साथ मारपीट करके विकास दुबे ने अपने ही ताबूत में आखिरी कील जड़ ली थी। नतीजा ये हुआ कि पूरी पुलिस फोर्स उसके गांव पहुंच गई, और उसका अंत ये हुआ कि एनकाउंटर में STF के द्वारा विकास दुबे को मार गिराया गया। पुलिस की जांच में अब ये साफ हो चुका है कि जय वाजपेयी वो शख्स था जो सारे काम धंधे देखता था, ज्यादातर पैसे विकास दुबे के जय वाजपेयी के पास ही रहते थे, यानी कि अगर विकास दुबे न रहता तो जय वाजपेयी को सीधा फायदा पहुंचाने वाला था। और एक बात और कि जो सफेद पोश लोग विकास दुबे को संरक्षण देते थे उनकी जान भी बच सकती थी, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि ये सारी प्लानिंग जय वाजपेयी के जरिए बहुत सारे सफेद पोशों ने करवाई, और इसका नतीजा ये हुआ कि घटना की रात 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। क्या वाकई अब जांच में ये सब सच सामने आएगा, क्योंकि जब तक ये सब सच सामने नहीं आता तब तक जय वाजपेयी और विकास दुबे जैसे लोग भले ही कानून के शिकंजे में आ जाए, लेकिन सफेद पोश लोग ऐसे ही अपराधियों को तैयार करते रहेंगे। तो विकास दुबे के मामले में दर्ज FIR और उसमें साजिश और सबूतों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। यूपी की ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।